हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और आज हम जेई मेन प्रीवियस ईयर कम गुरु नीति जिसको हमने नाम दिया है गुरु नीति कम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर जेई मेन उसके पांचवी यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले हमने फोर यूनिट डिस्कस कर ली है अप टू एल्कोल फिनोल ईथर तक हमने डिस्कस कर लिया है आज की जो गुरु नीति है इसके टॉपिक क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग कंपाउंड पार्ट फर्स्ट ये जो गुरु नीति है इसमें बल्क से क्वेश्चन आए हुए हैं बड़े चैप्टर हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इसलिए ये जो गुरु नीति है आपको दो पार्टों में मिलेगी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड तो हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट को सेल्फ आरसी देवाल टीम केमिस्ट्री सी एल कर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है उसकी रिएक्शन करवाइए डाइल्यूट एने से अक्स बना और उसको दे दिया हीट से आपको रिएक्शन करवाना है तो देखो एल्पा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड गिव एल्डोल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन देते हैं एल्डोल रिएक्शन देते हैं तो यहां डेफिनेटली एल्डोल रिएक्शन होगी पहले ये बनेगा पहले यहां बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल उसके बाद हीट करने पे H2O बाहर हो जाएगा और यहां बन जाएगा एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा ठीक है तो रिएक्शन को करवाते हैं खाली पेज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं देखें ये इंफॉर्मेशन हो गई रिएक्शन को अब रिएक्शन को हम लगाते हैं देखें ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है दो मोल रिएक्ट करेंगे ये दूसरा कंपाउंड हुआ बेसिक मीडियम आपको दिया हुआ है ओ एच माइनस ये एसिडिक हाइड्रोजन है इस एच को हटाएगा यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है और ये अटैक करेगा और ये यहां से यहां तो पहले बनेगा आपके पास उधर क्या हो गया एच हो गया और इधर से अटैक हुआ तो इधर क्या बन गया ये डबल बोन्ड ओ यहां एच कहां से आई भाई पहले यहां नेगेटिव आया पर इस पे H कहां से आई क्योंकि डायल्यूट आपको दिया हुआ है तो पहले अगर आप देखो तो पहले ऐसे भी देख सकते हो पहले आपके पास यहां ओ नेगेटिव था फिर डायल्यूट एन एच दिया हुआ है ना आपको तो इस डायल्यूट एन एच में वोटर तो है यहां से वोटर से ये H प्लस यहां पे जाएगी और फाइनली कंपाउंड जो पहला कंपाउंड बनेगा ना वो ये वाला बन जाएगा ये ओ एच OH यहां से ये बॉन्डिंग क्लियर अब यहां देखो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका तो ये एल्फा सॉरी यहां से नहीं यहां से जुड़ेगा ये हमने थोड़ा सा गलत ऐसे जुड़ेगा ये तो ये एल्फा और ये बीटा तो यहां पे हो गया ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कार्बोनिल अब यहां आपको आगे हीट दिया हुआ तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं कि ये दिया हुआ है ये ओ एच और ये डबल बोंड ओ और हीट दिया हुआ है आपको हीट तो यहां से एच टू बाहर हो जाएगा डबल बोन्ड इस वे में लगाना है कि डबल बोंड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुकेशन में रहे और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये ये वाला बन जाएगा ये लो अब मैंने इसको बोला था एल्फा बीटा एल्फा बीटा कंपाउंड ये फाइनली प्रोडक्ट आएगा एल्डोल रिएक्शन यहां पे हुई है सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है केवल एल्डोल रिएक्शन करवानी है एनसीआरटी का एग्जांपल है नेक्स्ट हम ऑप्शन को चेक करने जाए तो ऐसा ऑप्शन अपन को कहां पर दिया हुआ है ठीक है तो इसको तो मिटा देता हूं मैं ऑप्शन देखूंगा तो यहां पे ये डबल बॉन्ड ये तो नहीं होगा यहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा ये वाला देखें ये एल्फा ये बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ये एल्फा बीटा अनसेटेड आंसर जाएगा सेकंड, ओके नेक्स्ट

51 परसेंट तो आंसर तो हम लगा देंगे ये इतना बनता है एनसीआरटी में इसका परसेंटेज यील्ड का डेटा दिया हुआ है वहां से आप कर सकते हो और एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा पहले तो आंसर लगाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा सी का परसेंटेज है फिर बी का है फिर ए का है सी बी ए आंसर तो इसका क्या जाने वाला है थर्ड जाने वाले है। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं इस रिएक्शन को और समझे भाई एनिलीन है इसका लग रहा है प्लस आर तो ये कौन सी डायरेक्टिव है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप फोर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन उसके लिए ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है क्योंकि प्लस आर लग रहा है बट आप सल्फोनेशन करवाते हो तो एनएच टू ये आता है और आप यहां करवाते हो एच टू एसओ फोर प्लस से रिएक्शन करवाते हो जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सर बोलते हैं या मिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं तो यहां क्या होगा इन दोनों से करके क्या बनता है एनओ टू प्लस जनरेट होता है जो इस रिएक्शन का क्या है इलेक्ट्रोफाइल है अब ये बेस है और ये क्या है एसिड है यहां से ये H प्लस जाएगा H प्लस जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें में और इसका नाम है एनिलीनियम आयन इसका नाम क्या है एनिलीनियम आयन और ये जो है अब इसका प्लस आर लगना रिंग पे बंद हो गया रिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी क्योंकि लोन पेयर इसने डोनेट कर दिए एच प्लस को रिंग को ये लोन पेयर डोनेट दे नहीं पाएगा तो ये यहां पे ये जो है ना ये डी एक्टिवेटिंग हो गया एंड मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो गया डीएक्टिवेटिंग और कौन सा ग्रुप हो गया मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो गया अब जो एनओ टू प्लस है ना वो अटैक करेगा और जब वो अटैक करेगा तो ऑर्थो पे अटैक करेगा अब इस पे ओर्थो पे इसका माइनस आई मैक्म लग रहा है ऑर्थो पे तो ये केवल टू परसेंट बनेगा और ये मेटा पे जाएगा तो यहां माइनस आई कम हो गया तो ये फोर्टी सेवन परसेंट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये पेरा पे जाएगा जहां माइनस आई मिनिमम लग रहा है वो बन जाएगा आपका फिफ्टी वन परसेंट पेरा वाला मेजर इसलिए बनता है माइनस आई वहां मिनिमम है क्योंकि प्लस का क्या लग रहा है माइनस आई लग रहा है माइनस आई मिनिमम है साथ की साथ रिपल्सन भी मिनिमम है तो ये वाला पेरा वाला भाई सीधी सी बात है और तो पेरा तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि हो सकता है और तो पेरा तो, क्योंकि वो ओरथोपेरा तो डायरेक्टिव बट मेटा वाला प्रोडक्ट कैसे आ गया तो मेटा वाला प्रोडक्ट कैसे बना पहले एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया था एनएस थ्री प्लस बन गया था और एनएस थ्री प्लस जो है ना वो मेटा डायरेक्टिव होता है डीएक्टिवेटिंग होता है तो कुछ कुछ यील्ड मतलब ठीक ठाक सी आती है मेटा पोर्शन पे और मेटा पे जाएगा

फिर ये बन जाएगा मान लो एक प्रोडक्ट बन गया ये वाला एन एच थ्री और ये प्लस और ये एनओ टू में एक पेरा का प्रोडक्ट लेता हूं पेरा वाला भी बनेगा उसके बाद जो यहां से एच एस ओ फोर माइनस है ना वो इस एच को वापस हटा लेगा क्योंकि इस एनओ टू के माइनस आर से इसकी एसिडिटी बढ़ चुकी है तो इसको वापस एच दे देगा और फाइनली पेरा मेटा ऐसे तीनों से आएगा ये इससे भी जाएगा और ये यहां जब लगेगा यहां वाला भी लगेगा बट ये फोर्टी सेवन परसेंट रहेगा ये 51 परसेंट रहेगा और यहां वाला कितना रहेगा 2 परसेंट रहेगा समझ में आ गए? इसके कई क्वेश्चन है बार बार डिस्कस नहीं करूंगा कंसेप्ट मैंने इसका पूरा बता दिया है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड व्हाट इज बेंजिन सल्फोन क्लोराइड पी एच एसओ टू सी एल क्या बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट तो इसको समझे गिव्स कंपाउंड बी बी इज सोल इन एनिवर्स सोल्यूशन कंपाउंड ए इज तो ये क्या है रिएजेंट बाय बाय दिस दिस वी कैन बिटवीन वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री एमीन हम इससे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एमिन में डिस्टिंग कर सकते हैं ये बेनजिन सल्फोनिल क्लोराइड जो है उसको बोलते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट स्ट्रक्चर होती है ये वाली ये वाली स्ट्रक्चर होती है और आजकल जो यूज में लेते हैं ना वो ये वाला यूज में लेते हैं पेराटोलुन सल्फोनिल क्लोराइड नाउड

कि उसके इर्द गिर्द जितना कंसेप्ट बन रहा है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो रही वही काम मैं कर रहा हूं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा रहे हैं ठीक है तो पहले हम इसको टेस्ट कर देखते हैं कि क्या होता है देखिए आप मैंने बोला इससे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अमीन में डिस्टिंग कर सकते हैं चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो ड मैटर कोई मैटर नहीं करेगा तो यहां मैंने लिया वन डिग्री अमीन ठीक है ये वन डिग्री हो गई यहां लिया मैंने टू डिग्री ये टू डिग्री हो गई और यहां मैंने लिया थ्री डिग्री यह थ्री डिग्री हो गई क्लोराइड से पी एच डबल सल्पोन ओ और ये सी एल पहले यह एच सी एल बाहर होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा पी एच एस डबल बूंद ओ यहां से जुड़ गया एन एच और ये आर ठीक है यहां रिएक्ट करेगा वही ही पी एच एच डबल बूंद ओ और ये सी एल तो यहां से भी ये एच सी एल बाहर हो जाएगा यहां क्या बनेगा पी एच एच डबल बूंद ओ और ये एन और ये आर और ये आर अब इसके पास एच है नहीं तो ये पी एच एस डबल बूंद ओ और ये CL, यहां क्या लिख दूंगा नो no रिएक्शन यहां रिएक्शन नहीं हुई तो थ्री डिग्री तो वो हो गई जो रिएक्शन कर ही नहीं रही है थ्री डिग्री तो वो हो गई जो रिएक्शन कर ही नहीं तो थ्री डिग्री सेपरेट हो गई अब इसमें बात करूं इसमें आगे डालता हूं बेस एन एच ठीक है तो ये जो कंपाउंड है ठीक है इस कंपाउंड का नाम है एन एलकाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड सल्फोने माइड ये इसका नाम है ये जो कंपाउंड है एन एल्किन एन एलकाइल बेजिन सल्फोन माइड सोल्यूबल इन एन एच ड्यू टू ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास जो ये हाइड्रोजन है ना ये वाली वो एसिडिक इन नेचर की है एसिडिक नेचर की इसलिए ये एनओ में सोल्यूबल हो जाएगा बनाएगा पी एच, एच डबल वोड ओ एन ये आर यहां नेगेटिव और ये एन ए प्लस ये सोल्यूबल हो गया अब ये वाला जो है ना डू नॉट सोल्यूबल सोल्यूबल इन एन एच ड्यू टू एब ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन क्या है एबसेंट है डेफिनेटली एबसेंट है इसका नाम है एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये इसका नाम है तो जो एनएओ हिंज ब्रग रिएजेंट से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है वो अगर एनएओच में सोल्यूबल है तो वन डिग्री एमीन है रिएक्ट करके और अगर एनएओच में इनसोल्यूबल है तो टू डिग्री है और यदि रिएक्ट कर ही नहीं रहा

टू डिग्री वन डिग्री टू डिग्री थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विथ एमाइड द कार्बोनिल कार्बन इज लोस्ट एज ए वेल नोन रिएक्शन है हापमान डिग्रेडेशन हापमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का नाम है होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का नाम है रिएक्शन में होता क्या है मैकेनिज्म देखेंगे और समझेंगे क्या होता है एग्जाम्पल क्या होता है आर ए सीओ एन एच टू लिया आपने और आपने रिएक्शन कराई एन एच प्लस बी आर टू से या फिर आपने करवाई है हाइपोब्रोमाइड ओ माइनस बी आर से रिएक्शन करवाई है हाइपोब्रोमाइड ये वाला हो गया तो ये CO हो जाता है और ये आर एन एस टू बनता है सबको पता है एम की रिएक्शन है किसी के साथ भी कराओ। तो ये बोल रहा है कि वो जो कार्बोनिल कार्बन ये जो लोस्ट होता है ना वो किस फॉर्म में लोस्ट होता है क्वेश्चन कि, कि किस फॉर्म में लोस्ट होता है तो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार तो अपना कंसेप्ट इसमें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा ये आर ये सी ओ एन एच और एच है? और ओ माइनस बी आर या फिर दे दू बी आर टू और ये एन ओ एच तो ये बेस है ओ एच माइनस इस एच को हटाएगा और यहां पे ये बी आर और ये बी आर ये यहां अटेक करेगा इसको क्या कर देगा बाहर कर देगा आर ये सी ओ एन एच और ये बी आर वापस बेस आएगा इस एच को हटाएगा क्या बनाएगा आर सी ओ एन माइनस और ये भी आर अब इसमें क्या होगा रीअरेंजमेंट क्या होगा रीअरेंजमेंट ये यहां से यहां और ये यहां से यहां और ये बी आर बहार तो बन जाता है आर एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ जो बेस गिवन है ना बेस है ना वो डाइल्यूट एन होता है कौन सा होता है डाइल्यूट एन तो यहां यहां से इस पर डायल्यूट एन एच रिएक्ट करता है तो इस पर डायल्यूट एनएच तो यहां दो बार रिएक्शन होती है डायल्यूट एन जब रिएक्ट करेगा तो दो बार रिएक्शन होगी जैसे मैं बोलूं ओ एच माइनस ये यहां से हा और ये यहां से हा आर एन डबल बोन्ड सी ओ एच और ये ओ माइनस यही बना ठीक है फिर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां क्या बनता है आर एन एच सी डबल बोन ओ और ओ माइनस फिर यहां से वापस एच टू ओ आता है और यहां से टूट है इधर एच और इधर ओ OH. एच ये बन जाता है इधर क्या बन जाता है ओ OH एच बन जाता है तो इधर जो फाइनली है ना ये भी क्या हो जाएगा यहां भी एच सप्लाई हो जाएगी तो इधर तो बना एच टू सी ओ थ्री और इधर बन गया आर एन एच टू एच टू सीओ थ्री बनाना ये, के साथ करेगा और क्या बनाएगा एन ए टू सीओ थ्री तो जो कार्बन बाहर हुआ ना वो किस फॉर्म में हुआ है कार्बोनेट फॉर्म में बाहर हुआ है किस फॉर्म में कार्बोनेट फॉर्म में बाहर हुआ है सीओ टू एच टू सीओ थ्री बाहर निकलाना? टू टूट थ्री जाता है सीओ में तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा NaOH और एसिड बेस रिएक्शन से कार्बोनेट बना देगा तो कार्बोनेट रूप में पार हुआ है इस बेस पे अगर उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो यहां पे कार्बोनेट नेक्स्ट ये लो क्वेश्चन नंबर फाइव कंसीडर द अवाऊ केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिटी Identify, identify product A. आपको ए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या बना है तो यह साइनाइड है इस पे जोड़ा, तो ए बना यहां पर फिर वापस एच टू जोड़ा तो यह सीओ एच बना तो हमें पता है कि साइनाइड आइन जो है ना इस पर एच टू ओ वन इक्विलेंट डालता हूं तो यह कन्वर्ट होता है एम आइड में और फिर वापस इस पे एच टू डालता हूं तो ये कन्वर्ट होता है COH एच में तो साइनाइड का COH एच तक जाऊंगा ना तो ये तो होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और यहां से यहां तक जाऊंगा तो इसको बोलते हैं पार्सियल हाइड्रोलाइसिस तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक मेजर प्रोडक्ट ये बना फिर वापस एच टू तो यहां से यहां क्या हुआ है ये पार्शियल है और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस सी एन का करवाओगे तो देखो ये आपको दिया हुआ है सी ट्रिपल बोन्ड एन ये इधर जाएगा और ये बन जाएगा उधर क्या आ जाएगा उस पर आ जाएगा OH और इस पे डबल बोन्ड और ये NH भाई इस पे एच प्लस और OH एच माइनस तो इस पे एच प्लस जाएगा अब ये यहां से यहां ये टोटोमराइज हो जाएगा और किस में चला जाएगा सी ओ एन एच टू में मतलब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आंसर इज थर्ड नेक्स्ट ये लो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एमिन दिया हुआ है और यहां ये कौन सी रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन अक्स क्या बनेगा डाई एजोनियम सोल्ट यहां क्या दिया हुआ है से -no मतलब डिग्री डिग्री टू सेल्सियस आपको दिया हुआ है तो ये डाई एजुटाइजेशन होगा और अक्स जो है वो क्या बनेगा डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा तो पहले अक्स हमें पता लग गया डाइजोनियम सोल्ट है तो यहां पे खाली पेज ले लेता हूं अक्स जो है वो डाइएजोनियम सोल्ट है ये वाला इसकी रिएक्शन करवाई है इससे डाईमिथाइल से तो यहां रिएक्शन होती है कौन सी कपलिंग रिएक्शन कौन सी कपलिंग रिएक्शन ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल होता है और कपलिंग रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन का एग्जाम्पल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पे अटैक करेगा तो देखो इधर पेरा पोर्सन पे अटेक करेगा तो कैसे होगा यहां ये यह इधर से इधर गया पॉजिटिव आ गया ये यह यहां से अटेक करेगा और यहां से कौन बाहर हो जाएगा H प्लस बाहर हो जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना कपलिंग रिएक्शन का वो बनेगा ये N डबल बोन्ड N और ये रिंग और ये N सी एच थ्री सी एच थ्री एजो डाई एजो डाई इस बोन्ड को बोलते हैं एजो

ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी सेम उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है देखो क्या बोला है इन द बिलो रिएक्शन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए एक्स वाई रेस्पेक्टिवली आपको बताना है कि ए का फॉर्मूला क्या है स्ट्रक्चर बतानी है ए की अक्स क्या है और वाई क्या है ये बताना है ठीक है अक्स और वाई भी आपको बताना है तो देखो इधर यहां सी सेवन at C N2 OCl तो वो तो ये भी फॉलो कर रहा है 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 फर्स्ट ये है। ए तो सब में सेम ही है अब अगर मैं इसकी रिएक्शन तो पहला तो मुझे पता लग गया कि पहला कंपाउंड तो ये वाला है ऑप्शन से ही पता लग गया क्योंकि सब में ऑप्शन सेम है N2 Cl- OCH3 इसकी रिएक्शन कराऊं मैं C2H5OH से किसका काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का बेंजीन बनाता है क्या डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करके भाई मैं बोल दू आपको और समझा देता हूं कि एन टू प्लस सी एल माइनस जो है ना वो एच सी ओ एच एच थ्री पी ओ टू सी टू एच फाइव ओ एच एस एन सी एल टू प्लस एन ए ओ एच इनके साथ क्या बनाता है बेंजीन बनाता है इनके साथ क्या बनाता है बेंजीन बनाता है तो यहां भी बेंजीन बनेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसका रिडक्शन होगा तो वो तो चला जाएगा बेंजीन में एच आ जाएगा ओसीएच3 एजिट रह गया n2 आ गई बाहर ठीक है Cl- यहां से H ले लेगा ले तो HCl और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब वो उसका रिडक्शन कर रहा है तो खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज्ड इन सी एच थ्री सी ओ एच खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आंसर जो जाएगा हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट ये लो वापस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन कैन बी सेपरेट यूजिंग तो बेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड ये रहा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग Reagent. अभी पीछे इसको हमने डिटेल से देखा है सेकंड क्वेश्चन में डिटेल से देखा सल्फोनिल क्लोराइड पेराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड और यहां पे लगा दो CH3. तो इतने स्केलेटन को तो बोलते हैं और इसको बोलते हैं ये लो नेक्स्ट Which ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज example ऑफ एमिनोलाइसिस तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है एल्किल बोंड किलवेज बाय अमोनिया देन रिएक्शन इज अमोनोलाइसिस और इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आएंगे Hopman, इस रिएक्शन का नाम है क्या रिएक्शन है समझेंगे पूरी बात और आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम साथ साथ लगाते जाएंगे देखिए मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं रिएक्शन का नाम है होपमानो लाइसिस तो अभी मैंने बोला है अभी मैंने बोला है कि अमोनिया एल्किल हेलाइट बोन का क्लीवेज करता है क्या होता है ये आर और ये सी एल मान लो हेलोजन है और ये एन एच थ्री ये ये रिएक्शन होती है एस टू ये अटैक करता है और इसको क्या करता है बाहर करता है तो बनता है आर एन एच टू एच और ये पॉजिटिव आर एन एच थ्री प्लस ठीक है अब मैं डालता हूं बेस बेस, बेस रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज बेस क्या करता है एसिडिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है इसको वापस से यहां से क्या निकाल लेगा एच निकाल लेगा और फाइनली क्या बन जाता है आर एन एच टू वन डिग्री एमीन। अब ये आर एन एच वापस मतलब यहां से यहां जाऊंगा ना इसको एक सीक्वेंस में लिखू ना तो आर ये सी एल एच एन एच ये एच बाहर हुआ और ये बन गया ऐसे तो तो हुआ, यही तो है। है अब ये जो है ना, वो वापस से से? कर सकती है किस से? आर, से और वापस से है टू डिग्री एमीन भी एल्किल एलाइड के साथ रिएक्शन कर सकती है ये सी एल और ये आर ये और क्या बना सकती है थ्री डिग्री एमीन बना सकती है थ्री डिग्री एमीन भी RCL के साथ रिएक्ट करे इस पे अटैक करे इसको बाहर करे और क्या बना सकती है आर फोर एन क्वार सोल्ट बना सकती है तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम क्यों यूज में करते हैं एसिडिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए ये प्लस को रिमूव करने के लिए एसिडिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए ये क्या होना चाहिए एस थ्री होना चाहिए क्योंकि अगर ये sp2 होगा तो रेजोनेंस से इस बोन्ड का क्लीवेज नहीं होगा डबल बोन्ड करेक्टर आ रहे हैं sp3 होना चाहिए अमोनिया के साथ रिएक्शन होनी चाहिए समझ में आ गई बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है अब थोड़ा सा इसमें मुझे दो तीन चीजें और बतानी है वो भी देखें आप वो दो तीन चीजें क्या है चलो देखो वो क्या है अगर आप एल्किल हेलाइड एक्सेस में लेते हो तब तो बनता है क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट क्यू ए एस और यदि आप NH3 थ्री में लेते हो तो बनता है वन डिग्री एमीन मेजर तब तो आता है मेजर ये इस कंडीशन में मेजर आएगा ये और यदि आप एल्किल हेलाइड और NH3 थ्री दोनों के लेते हो मोल तो बनता है मिक्सर क्या बनता है मिक्सर वन डिग्री एमिन टू डिग्री एमिन थ्री डिग्री एमिन और क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट इनका क्या बन जाता है मिक्सर बन जाता है दिस इज अमोनोलाइसिस पूरी रिएक्शन बता दी एक क्वेश्चन से तो इसको समझे आप रिएक्शन इसलिए बताइए कि आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको लगा देंगे नेक्स्ट

या फिर इसको बोलते हैं एस बी आर सोटन बोमान रिएक्शन ठीक है यहां देखो यहां यहां थ्री ने अटैक किया सी एल बाहर हो गया और ये बन गया तो ये एग्जाम्पल हो गया ये वाला ये कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि एस थ्री प्लस बन गया मतलब ये रिएक्शन किससे करवाई है एच सी एल से करवाई है एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो आंसर तो हमें मिल गया है आंसर तो क्या आएगा थर्ड सिंपल नेक्स्ट होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन ग्रेडेशन और बेंजे माइड गिव प्रोडक्ट ए होपमान ब्रोमेमाइड बेंजेमाइड बेंजेमाइड किसको बोलते हैं रेड रेड चलते हैं रेड रेड, रेड चलते हैं सी ओ एन इसको बोलते हैं बेंजेमाइड हापमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन HBD इड डिग्रेडेशन एन एच प्लस बी आर टू हट जाता है क्या इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर होता है क्या फड़ा है क्या पहला सेकंड क्वेश्चन लगाया हमने तो यहां बनेगा ये वाला एन एच टू सीओ हो गया ये बना आपका ए विच अपॉन हिटिंग विथ सी एच सी एल थ्री एन एच सी एच सी एल थ्री और एन एच यह हेलो फॉर्म और बेसिक मीडियम रिएक्शन है कार्बिल एमिन टेस्ट क्या है कार्बिल एमिन टेस्ट और ये टेस्ट फॉर वन डिग्री एमिन किसका टेस्ट है वन डिग्री एमिन का है तो आर वन डिग्री एमिन का टेस्ट है जिसे आर एन एस टू लोगे और फिर सी एच सी एल थ्री एन एच लोगे या के ओ एच लोगे तो ये आर एन सी में कन्वर्ट होगा NH2 ग्रुप NC में कन्वर्ट होता है PH NH2 लोगे ये भी 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री CHCl3 KOH यहां भी क्या बनेगा PHNC ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है कि ऐसा ऑप्शन हमें कहां दिया हुआ है तो देखते हैं ऑप्शन को चेक करते हैं पहला तो हमारे पास एमाइड है तो ये भी सही है ये फर्स्ट ही सही है और बी ये बी वाली रिएक्शन कौन सी है कार्बिल एमीन टेस्ट है नेक्स्ट ये देखो द प्रोडक्ट ए इन द बिलो रिएक्शन इथैलिन ग्लाइकोल है डाइओल ठीक है यहां कार्बोनिल ग्रुप यहां भी है और कार्बोनिल ग्रुप यहां भी है ठीक है ये क्या करता है रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप एंड फॉर्म एसिटेल और कीटेल एसिटेल और कीटेल बनाता है तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करेगा ये तो एस्टर है और ये क्या है कार्बोनिल ठीक है बाय दिस बाय दिस वी कैन प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप हम इससे कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्शन है कार्बोनिल ग्रुप का दो मोल रिएक्शन करते हैं एलकोल रिएक्शन है पहले पहले बनता बनता है है फिर वो रेपिडली कन्वर्ट हो जाता है कीटेल में वो रिएक्शन है तो कैसे करवानी है रिएक्शन एस्टर पे ज्यादा रिएक्टिव है या कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव है कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें रेजोनेंस से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है तो रिएक्शन लगाने जाऊंगा ना तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये डबल बोन्ड ओ ये वाला ये सीओ और ये ई टी और इधर से रिएक्शन होगी ये ओ OH एच और ये ओ OH, एच और यहां से ये एच टू बाहर हो जाएगा ये लो यहां से एच टू बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा ये ओ ये ओ ये इधर आ गया ये ये और ये सी ओ ई टी चेक चेक करो ऐसा ऑप्शन कहां पे है ये नहीं होगा सेकंड तो ये ये बना प्रोडक्ट ठीक है तो यहां पे अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाई हमने एच टू बाहर निकला अब साथ के साथ यहां और क्या हो सकता है यहां ये जो एस्टर है ना ये वाला हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि इतना एसिडिक कंडीशन नहीं होता अगर यह हाइड्रोलाइज होता तो वापस हो सकता है तो आंसर केवल इस रिएक्शन होगी और आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट ये लो वापस वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़े जो अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था वैसा ही क्वेश्चन है क्या है? तो मैंने बोला था हम क्यों मिलाते हैं उस को हटाने के लिए, तो ऐसा कहा है टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटीज आंसर जाएगा फोर्थ ऑलरेडी डिस्कस कंसेप्ट में इसका कर चुका हूं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो रिएक्शन है इन द बिलो केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट अक्स एंड रिएजेंट कंडीशन ए आर ए आपके पास क्या बनाया है फिनोल बनाया है फिनोल बनाया है आपके पास ये रिएक्शन कौन सी है डाई एजो टाइजेशन तो अक्स क्या बनेगा डाई एजोनियम सोल्ट अब इससे हमें अगर फिनोल बनाना है ना तो ए हमें क्या लेना पड़ेगा या तो पास आउट करो स्टीम या फिर आप दे दो एच टू और किसमें कन्वर्ट होता है फिनोल में कन्वर्ट जाता है ये क्वेश्चन भी बिलोंग कर रहा है एनसीईआरटी से तो ए तो डायजोनियम सोल्ट है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहां और यहां तो एच और हीट यहां से फिनोल बनेगा थर्ड नेक्स्ट

तो ये सीओ गायब हो गया CH2NH2 टू एन एच टू जुड़ गया तो इसमें तो इन्वॉल्व हुई है कौन सी रिएक्शन हाफमांड ब्रोमे माइड सीएन के ओ एच एच टू बेसिक हाइड्रोलाइसिस बेसिक क्या करवाया पहले हाइड्रोलाइसिस करवाया तो पहले CN कन्वर्ट होगा किस में सीओ एन एच टू में फिर क्या दिया हुआ है भाई बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा ये बना रखा है ना मैंने इससे जाना है तो बी आर टू आ गया तो इसमें भी सीओ गायब हुआ है बी आर टू एनओ एच हापमान ये वाला बन गया तो इसमें भी हुआ है नेक्स्ट इसमें सीओ सी एल एन थ्री एच तो पहले रिएक्शन ये वाली होगी सीओ सी एल एच और ये एन एच टू ये एच सी एल बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CO NH2 एन एच टू बन जाएगा अब वापस से भी आर दिया है, तो ये बन जाएगा। नहीं हुई इन तीनों में तो, हुई है। तो आंसर तो पता लग गया कि फोर्थ आना है बट एक बार चेक कर लेते हैं फोर्थ को यहां आपको ये दिया है और देखो हापमान ब्रोमाइड में कार्बन कम होते हैं इसमें दो कार्बन है यहां पे इसमें एक कार्बन है कार्बन कम हो गया सीओ में इसमें यहां पे एक कार्बन है यहां पे जीरो कार्बन है कार्बन कम हुआ है इसमें एक कार्बन है यहां जीरो है इसमें कितने कार्बन है तीन तीन के तीन दो तो हो सकती है पहले बी आर टू एन एच एच प्लस तो यहां सबसे पहले रिएक्शन करवाई सी एच टू सी ओ और ये सी एच थ्री और यहां दिया बी आर टू एन एच अब ये क्या नहीं है नोट एमाइड ये क्या नहीं है एमाइड नहीं है और हापमान ब्रोमाइड किसकी रिएक्शन होती है एमाइड की होती है एनेर टू को देख के चक्कर में नहीं आओगे समझ में आ गई बात कि एनिओच एच टू आ गया तो हापमान ब्रोमाइड होगी तो वो तो एमाइड भी होती है ना यहां रिएक्शन जो होगी वो होगी हेलोफोम हेलोफोम रिएक्शन में इसका तो हेलो बन जाएगा सी एच बी आर थ्री इसका बनेगा सोल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में सी एच टू सी ओ और ये माइनस बट हमारे पास यहां पे क्या दिया हुआ है H प्लस दिया हुआ है ना तो ये H प्लस यहां पे जाएगा और क्या बना देगा सी एच टू और ये सी ओ एच इसकी रिएक्शन करवाई एनएच थ्री ही और हीट से यहां तक आ चुका हूं मैं बोर्ड खाली करूंगा एक बार देख लें यहां तक आ चुका हूं आगे पेज ले लेता हूं मैं खाली यहां तक अपन आ गए यह बन गया अपने पास सी एच टू सीओ एच इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं एन एच थ्री से तो एसिड बेस रिएक्शन होगी ए बी रिएक्शन बी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं क्या बनेगा पहले सी एच टू माइनस और फोर प्लस इसको हीट करूंगा तो यहां से एच टू ओ बाहर हो जाएगा क्योंकि साथ में हीट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फाइनली यहां बन जाएगा सी एच टू एन एच टू अब अगर मैं इसकी हापमान ब्रोमाइड करता ना तो सीओ गायब होता अब इसकी रिएक्शन करवाइए से तो ये सीओ ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा किस में सी एच टू में और फाइनली आंसर आ जाएगा सी एच टू सी एच टू एन एच टू तो इसमें कार्बन तो कम हुआ बट कार्बन किस फॉर्म में बाहर हुआ था हेलो फॉर्म में बाहर हुआ है इसलिए इसमें हापमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है तो आंसर देखें आंसर फोर्थ नेक्स्ट येलो डाइबल टोलुइन, हाइड्रोलाइसिस डाइबल क्या करता है डाइबल है क्या डाई आइसो ब्यूटाइल हाइड्राइड और डाई आइसो ब्यूटाइल हाइड्राइड सी एच थ्री सी एच ऐसे भी लिखे सकता है सी एच टू एक आइसो ब्यूटाइल सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू ये दूसरा आइसोब्यूटाइल दोनों को किससे जोड़ दो एल्यूमिनियम से और ये हाइड्राइड ठीक है ये क्या करता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है और ये साइनाइड को रिड्यूस करता है इमीन में डबल में साइनाइड को रिड्यूस करता है Imean में और एस्टर को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में एस्टर को किसमें रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में ये लो और लो टेम्परेचर पे काम करता है माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस जब भी डायबल लिखवाएगा लो टेम्परेचर दिखावाएगा साइनाइड को इमीन में एस्टर को एल्डिहाइड में फिर इस साइनाइड का आगे हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं ना तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां भी एल्डिहाइड देता है हाइड्रोलाइसिस के बाद यहां भी एल्डिहाइड देता है अब क्वेश्चन को हम लगाने की कोशिश करते हैं तो ये एल्डिहाइड ये एस्टर है क्या एस्टर ये दिया हुआ है क्या ये लो तो ये यहां से टूट जाएगा भैया इधर भी एच और इधर भी एच तो क्या बना ये बन गया क्या इधर क्या आ गई ओ OH एच और इधर क्या हो गई सी एच टू और ये ओ एच देखे ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ क्या कहीं फोर्थ ये डबल बोंड है भैया यहां पे सब जगह डबल बोंड है क्या लगता है फोर्थ इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट टू फोर डी डीएनपी टेस्ट कैन बी यूज टू तू आइडेंटिफाई टू फोर डीएनपी किसको बोलते हैं टू फोर टू फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन क्यों नहीं चल रहा भाई फोर डीएनपी किसको बोलते हैं पहले वो देखे तो ये बोलते हैं टू फोर नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन तो LDID ये कीटोन का है ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है एल का हो सकता है कीटोन का हो सकता है एच टू एन एन एच और यह हाइड्रोजीन है इसको बोलते हैं टू फोर डीएनपी तो ये जब रिएक्शन करता है ना तो यहां से एच टू बाहर निकलता है और बनता है टू फोर डीएनपी डेरी वेटिव जो होता है ऑरेंज सॉलिड कलर तो टू फोर डीएनपी केन बी यूज टू तो आइडेंटिफाई एल एदे। डी आईड सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन ये अच्छा क्वेश्चन है मानते हैं बीच बीच में बहुत शानदार क्वेश्चन भी आए एडवांस लेवल के भी कई क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये देखो यहां पे ये क्वेश्चन आपको दिया है ना इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो पहले हम रिएजेंट लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है यह दिया इसकी रिएक्शन करवाई है एच सी एच ओ और एनओ एच फर्स्ट करवाई सेकेंड दिया है सी एच थ्री सी एच टू बी आर एन ए एच और डी एम एफ और थर्ड दिया है एच आई और हीट सब कुछ पूछा है इसमें करते हैं इसको देखो ये आपको दिया हुआ है तो देखो यहां भी हाइड्रो ये तो क्या दिया हुआ है कौन सी कंडीशन दी हुई है ये ये क्या दिया हुआ है बेस इसके पास भी हाइड्रोजन क्या है एब्सेंट इसके पास भी हाइड्रोजन क्या है एपसेंट

और इसका होगा इसका तो ये तो होगा रिड्यूस रिड्यूस और ये होगा ऑक्सीडाइज तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा ये तो रिड्यूस हुआ तो सी एच टू ओ एच और ओ सी एच थ्री में और ये ऑक्सीडाइज होगा एच सी ओ माइनस और एन ए प्लस में ऑक्सीडाइज एसिड में होगा सीएचओ ग्रुप भाई कुछ नहीं होता ये जो सी एच ओ ग्रुप है ना ये रिड्यूस होता है सी एच टू ओ एच में और ऑक्सीडाइज होता है सीओ एच में अब दिया है ना, तो ये सोल्ट फॉर्म में रहता है जो मोर रिएक्टिव होता है वो ऑक्सीडाइज होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए एलिफेटिक एल्डियड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिकलडियड के कंपैरिजन में अब इसकी रिएक्शन करवाई है एनए NaH, सी एच थ्री सी एच टू बी आर से तो ये एन ए प्लस एच माइनस ये क्या हो गया बेस हाइड्राइड ये इस एच को हटा लेगा और इधर बना देगा एच टू और उधर बना देगा आपके पास इधर तो ओ सी एच थ्री आया इधर ये सी एच टू ओ माइनस एन ए प्लस अब इसकी रिएक्शन करवाई है किससे सी एच थ्री सी एच टू बी आर से तो ये न्यूक्लियो फाइल बन गया क्या और ये अटैक कर जाएगा बी आर को बाहर कर देगा रिएक्शन कौन सी हो जाएगी एस एन टू तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ओ सी एच टू सी एच थ्री और इधर आ गया ओ सी एच थ्री ये आपके पास क्या बन गया इथर अब इसकी रिएक्शन करवाइए एच आई ही और हीट से ईथर की रिएक्शन करवाइए एच आई ही और हीट से अब उस पर आते हैं अपन देखो ये बना अपने पास ओ सॉरी सी एच टू है पहले सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री और थ्री इसकी रिएक्शन करवाइए किससे इसकी रिएक्शन है एच आई और हीट से. इथर की तो H यहां भी अटैक करेगा और एच प्लस यहां भी अटैक करेगा एसिड बेस पहले होगी ए बी रिएक्शन अब ये वाला बॉन्ड तो यहां यह वाला रिजोनेंस हो रहा है तो यह वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं तो पहले बनेगा यह वाला सी एच टू ओ एच ये पॉजिटिव सी एच टू सी एच थ्री और इधर ओ OH, एच ये पॉजिटिव और ये सी एच थ्री अब जो आई माइनस है ना वो यहां भी अटैक करेगा तो इसको बाहर कर देगा यहां भी अटैक करेगा तो इसको बाहर कर देगा तो इधर क्या बना आपके पास सी एच टू आई और इधर आपके पास बन गया ओ एच डेट्स आंसर ये आंसर आएगा अच्छा क्वेश्चन इथर तक ले गया हमें एस टू भी करवा दी केनिजारो भी करवा दी बेहतरीन क्वेश्चन में मानता हूं इधर बेंजाइलिक की तरफ अटैक होगा एस एन वन स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर एस टू से लेस ये बोन तो कभी टूटेगा ही नहीं ये वाला बोन नहीं टूटेगा यहां से टूटेगा इस पे आई इस पे एच इसमें इस पे एच और इस पे आई तो ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएं तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है वो है थर्ड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट एन एच सी एच फाइव ओ एच कंपाउंड है एल्पा हाइड्रोजन क्या है परजेंट है और बेस दिया हुआ है कौन सी रिएक्शन होगी एल्डोल कौन सी इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगी कैसे होगी देखो इधर सी एच टू अच्छा हीट दिया हुआ है ना तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी कंडेंसेशन होगी सी एच टू यहां पे ये सी एच टू और ये सी ओ और ये एच इधर से सी एच टू और ये सी एच टू और ये सीओ एच ठीक है ये एल्पा यहां से निकल, निक, इधर इसको तो बना रहा मैं न्यूक्लियोफाइल और इसको बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रोफाइल तो जिसका न्यूक्लियोफाइल बना रहा हूं वहां से एल्पा से दो हाइड्रोजन और इसका ये ऑक्सीजन ये बाहर हो जाएंगे दोनों एच टू बाहर हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन तो देखो क्या बना एक सी एच टू फिर कार्बन उस कार्बन के बाहर इधर कौन है सी ओ एच इधर ये सी एच टू फिर एक सी एच टू फिर ये कार्बन और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड और इधर कौन है एच ऐसा ऑप्शन आप चेक कर लें ऐसा ऑप्शन देखो अब पहचान भी सकते हैं अपन ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा ऑप्शन आपको केवल फर्स्ट में दिया हुआ है तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर सिंपल नेक्स्ट ये लो जिंक एचसीएल रिड्यूसिंग एजेंट है क्या बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन ठीक है तो क्या बनेगा ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन ये चौथा कार्बन ये पांचवा और ये छठवां तो छह कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स ये सीओ ग्रुप किसमें रिड्यूस हो जाएगा सी एच टू में कौन करेगा ये करेगा जिंक कमलगम या जिंक एच सी एल रिड्यूसिंग एजेंट है रिडक्शन जो CO ग्रुप को रिड्यूस करता है सी एच टू में यहां तक क्लियर है सेट है अब क्या होगा ये बन गया अब इसके एक दो तीन नंबर पे ये लगा हुआ है इथाइल ग्रुप उसके बाद सी आर टू ओ थ्री सेवन सेवन थ्री केलवीन टेन टू ट्वेंटी एटीएम रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन। तो ये वाला ये जुड़ जाएंगे इसे सिक्स कार्बन की चेन बन जाएगी एक जगह इथाइल लगा हुआ है जैसे यहां से जुड़ा मैंने मान लो ऐसे जोड़ा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स दोनों तीन नंबर पे क्या लगा हुआ है इथाइल ये इथाइल लगा दिया अब इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी ये वाला बन जाएगा इथाइल ग्रुप लग जाएगा तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है रिंग पे थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट बी रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमिन ये बोल रहा है कि बी जो है वो हाइड्रोक्सिल एमिन से रिएक्ट करता है एक कंपाउंड है सी फोर एच एट सी एल टू उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है और बी बना है B बोल रहा है हाइड्रोक्सिल एमिन से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्सिल एमिन से रिएक्ट कर रहा है तो हे कार्बोनिल ग्रुप इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है इसका इन्... क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एमिन एच टू एनओ एच ये एच टू बाहर होता है और क्या बनाता है ऑक्सिम्स बनाता है ये तो बात हुई बट डज नॉट गिव टोलेंस टेस्ट टोलेंस टेस्ट नहीं देता मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है एबसेंट है तो A को आइडेंटिफाई करो तो देखो इधर ये एलडीड है इसका कोई मतलब नहीं है एल है इसका कोई मतलब नहीं है थर्ड और फोर्थ का का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वो है कीटोन। group absent, ketone group present. Ketone, group present. इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास निकल के आ गई इस इंफॉर्मेशन से तो कीटोन यहां भी दिया हुआ है कीटोन यहां भी दिया हुआ है अब हाइड्रोलाइसिस कराना, है ए आइडेंटिफाई करना है हमें ठीक है देखो आईडेंटिफाई करना है C4H8Cl2 पहला दिया है 11 डाइक्लोरोब्यूटेन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो HOH HOH यहां से भी HCl बाहर यहां से भी HCl बाहर कार्बन कार्बन और ये OH और ये OH यहां से H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये तो एल्डिहाइड बन रहा है तो ये तो नहीं हो सकता अब इसको देखो 2-2 टू, डाई टू, क्लोरो ब्यूटीन Cl Cl और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ HOH HOH ये HCl बार ये HCl बार दो नंबर पे OH जुड़ गए OH OH कार्बन कार्बन अब इसमें से क्या बाहर होगा यह H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कार्बन CO C और ये सभी कंडीशन को क्या करेगा फॉलो करेगा तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड नेक्स्ट एन एमीन ऑन रिएक्शन विथ बेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड वापस कौन सा आ गया हिंसबर्ग रिएजेंट फर चुके हैं कंपाउंड इनसोल्यूबल इन एल्कलाइन मतलब रिएक्ट तो कर रहा है बट एल्कलाइन में क्या है वो इनसोल्यूबल मतलब कितने डिग्री एमीन हो गई टू डिग्री एमीन हो गई ठीक है और क्या बोल रहा है केन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड उसको हम सी एच थ्री सी एच टू सी एल से क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं तो टू प्रिपेयर होगा तो पहले तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच फिर ये वापस रिएक्ट करेगा सी एच टू सी एच थ्री एच सी एल और बनेगा ई टी एन एच और ये e -T. डिग्री अमीन है

तो एनिलीन जो है वो ये वाली है और कार्बिलेमिन टेस्ट का रिएजेंट क्या है सी एच सी एल थ्री और ओ एच माइनस तो एनएच टू ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है किसमें में आइसोसाइनाइड किस में ऑफेंसिव ऑर्डर होता है मतलब बेकार स्मेल होती है तो आंसर इसका क्या जाएगा सेकंड क्लियर नेक्स्ट इसके बारे में भी हमने बात कर चुके हैं पहले ये बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन एनिलीन है नाइट्रेशन करवाया है मैंने बोला था ये बनता है 51 परसेंट ये बनता है 47 परसेंट और ये बनता है 2 परसेंट इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है ये पूछा है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था देखो रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड ए विल बी मेजर रिएक्शन पॉसिबल है एंड कंपाउंड ए विल बी मेजर प्रोडक्ट तो ए मेजर प्रोडक्ट है सही बात है ए वाला मेजर ही है कितना बन रहा है फिफ्टी वन परसेंट द रिएक्शन विल फॉर्म ए सल्पोनेटेड प्रोडक्ट इंस्टीड ऑफ नाइट्रेशन ना यह बोल रहा है कि नाइट्रेशन नहीं होगा इसमें इसमें सल्पोनेशन होगा ना ये रिएजेंट क्या करता है नाइट्रेशन करता है गलत है ग्रुप तो पैरा डायरेक्टिव सो प्रोडक्ट बी इज नॉट पॉसिबल ना वैसे पैरा डायरेक्टिव होता है बट इसमें 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 ये आयन बनाता है और मेटा डायरेक्टिव हो जाता है गलत रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड बी विल बी द मेजर प्रोडक्ट बी मेजर नहीं है तो आंसर जो आ जाएगा वो जाएगा ठीक है नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया आपको ठीक है द नंबर ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो विच कंटेंट सीओएच ग्रुप किसमें सीएच ग्रुप है तो सल्फेलिक एसिड ये वाला होता है इसमें सीओ ग्रुप नहीं है पिक्रिक एसिड ये वाला होता है इसमें भी सीओएच ग्रुप नहीं है एस्प्रीन ये वाला होता है इसमें सीओ ग्रुप है एसकोरबिक एसिड विटामिन सी होता है विटामिन सी होता है इसकी स्ट्रक्चर यह वाली होती है ये वाली इसमें भी सीओ ग्रुप नहीं है तो हमसे यह पूछा कि सीओ ग्रुप किसमें है तो वो किसमें है एस्प्रिन में यह बनाते भी तो हैं, सेलिसाइलिक एसिड ले लो सीओ एच और इसकी रिएक्शन सी एल सीओ सी एस थ्री से करवा तो तो रहता है तो केवल एस्पिरिन में है नेक्स्ट आपको द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दी हुई है और इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है देखो अब वही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं शुरू में टाइम लगता है फिर वापस वो कंसेप्ट रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले इसका क्या करवाया है यहां पे हाइड्रोलाइसिस करवाया है सी एच थ्री सी एच टू सी एन और इसका हाइड्रोलाइसिस और हीट कन्वर्ट किस में हो जाएगा सी एच थ्री सीओ एच में फिर क्या दिया है एसओ सी एल टू तो यहां पे ओ OH एच की जगह क्या सप्लाई हो जाएगा सी एल सप्लाई हो जाएगा फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाई है पी डी बी एसओ फोर और एच टू इस रिएक्शन का नाम है रोजन रिडक्शन क्या नाम है रोजन मुंड एसिड हेलाइड से एल्डिहाइड बनाने का बेस्ट मेथड है एल्डिहाइड तक रिड्यूस हो जाता है आगे फर्दर एलकोल में रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि बी एसओ फोर यहां पॉइजनस कैटलिस्ट का, का काम करता है तो ये एसिड हेलाइट से एल्डिहाइड बनाने का बेस्ट मेथड बाय रोजन मुंड रिडक्शन तो आंसर जो इसका जाएगा वो हमारे पास आया है यहां पे CH3, अच्छा एक कार्बन कम कर दिया गया सी एच थ्री यहां था यह सी एच टू सी एस थ्री है और, और का एल्डिहाइड बन जाएगा और ये सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिड एल्डियाड किस रिएक्शन में एसिड एल्डियाड नहीं बनेगा ये बोला है तो देखो इधर ये क्या है जॉन्स रिएजेंट और ये कितना डिग्री है वन डिग्री एल्कोल तो इसमें क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी आर ओ थ्री एच टू एस ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें सी एच थ्री सी ओ ओ OH एच में किसमें ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है तो फर्स्ट नहीं आएगा इसमें एसिड हेल्डे नहीं है इसमें साइनाइड डाइबल से पहले क्या बनाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड एन एच जिसको मैंने क्या बोला था इमीन इसका हमने क्या करवा दिया हाइड्रोलाइसिस तो ऐसे होगा इधर दो बार ओ OH एच आएगा इधर H और इधर एच तो साइड में एन बनेगा और उधर बन जाएगा सी तो इसमें तो बन रहा है एल्डिहाइड ये वाली जो रिएक्शन है ना एच टू ओ टू इसका नाम है ओग्जो प्रोसेस या फिर बोलते हैं हाइड्रो फोरमाइलेसन सॉरी ये वाकर प्रोसेस है ओ सॉरी गलती हो गई ये है ये वाली है वाकर प्रोसेस ऑक्सीडाइज होता है यहां से ये सी एच टू डबल बोन सी एच टू एयर की प्रेजेंस में हमें दिया हुआ है पीडीसीएल टू और सी यू सी ये भी दे सकता है ये प्लस टू में ये प्लस टू में तो यहां से ऑक्सीडाइज होता है ठीक है यहां C ये थोड़ा सा इसको सही कर लें यहां सी एच टू और ये सी एच थ्री था ठीक है तो यहां पे हमसे पूछा है हाँ तो यहां ये है तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ और यहां पे कॉपर क्या करता है H2 को बाहर करता है सी एच थ्री सी एच ओ एच एच यहां से H2 बाहर होगा और बनेगा सी एच थ्री सी ओ तो हमसे पूछा है कि किसमें एसिटेल नहीं बनेगा इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसको सी एस थ्री सी डबल बोन सी एस कर लेना तो आंसर आएगा फर्स्ट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है नेक्स्ट Yellow, ये भी सेम क्वेश्चन है कुछ नहीं है विच ऑफ फॉलोइंग विल गिव ए पैरा एमिनो एजो पेरा एमिनो एजोन कौन सी रिएक्शन नहीं देगी तो यहां पेरा एमिनो एजोबेंजिन इसको बोलते हैं भैया ये वाली येलो डाई होती है कैसी येलो डाई होती है तो यहां एसन प्लस एस सी एल तो पहले एनओ टू को एस एन प्लस एच सी एल रिड्यूस करेगा किसमें में एन एच टू में और एनएच टू में रिड्यूस कर देगा फिर एच एन ओ टू तो ये कौन सी हो जाएगी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी कौन सी रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें एन टू प्लस सी एल माइनस में और फिर इसकी रिएक्शन करवाई एनिलीन से एनीलिन से तो यहां कौन सी रिएक्शन हो गई कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी कौन सी कपलिंग रिएक्शन जो अभी मैंने पीछे बताई थी तो ये बन जाएगा इसमें तो इसमें बन रहा है इसको देखो सी को डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा डायरेक्ट भाई एक स्टेप हटा ना यहां NO2 से NS2 बनाया यहां डायरेक्ट NS2 दे दिया एनीलिन HCl तो इसमें भी बन जाएगी अब B में नहीं बनेगी किस नहीं बनेगी बी में नहीं बनेगी क्योंकि एन ए बी एच फोर क्या है रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है और यहां ये इसको एन ए बी एच फोर और एन एच जो है ना वो रिड्यूस कर देंगे किसमें एनएचओ में तो किसमें नहीं बनेगी ये बोला विल नॉट गिव पेराजिन तो ओनली बी बी में नहीं बनेगी नेक्स्ट ये लो, ऑफ़ द फॉलोइंग रीजियंट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या किया है इस CO ग्रुप को यहां किस में कन्वर्ट कर दिया रेड फॉस्फोरस सी एल टू ये तो क्या हो गया पी सी एल फाइव ये नहीं करेगा ये क्या है वोल्प किस्नर रिडक्शन रिडक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है सी एच टू में कन्वर्ट करता है यह भी काम क्लिमेंस रिडक्शन जो काम करता है वो ये करता है तो आंसर जाएगा डबल आल्सो रिड्यूस डबल बोन्ड रिड्यूस डबल बोन्ड क्या हो जाएंगे इसमें रिड्यूस हो जाएंगे हमें डबल बोंड रिड्यूस नहीं करना है एन ए बी एच फोर तो कार्बोनिल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा किसमें ओ एच में कन्वर्ट करेगा हमें किस में, OH में, किस में हमें लेके जाना है सी एच टू में तो क्या आएगा वुल्फ रिडक्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट द डायजुनियम सोल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ए कलाइड रिएक्शन विथ बीटा नेपथलोन इन एनवच अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है द डायजोनियम सोल्ट ऑफ विच किसका डायजोनियम सोल्ट ये बोला है तो ओनली वन डिग्री एमिन कैन फॉर्म डाई एजोनियम सोल्ट केवल वन डिग्री एमीन ही क्या बना सकती है डाई एजोनियम सोल्ट बना सकती है यह टू डिग्री है वन डिग्री एमीन और वो भी कौन सी वन डिग्री वो भी कौन सी एरोमेटिक एमीन ये वन डिग्री है बट कौन सी है एलिफेटिक ये वाली आ जाएगी ये कितनी डिग्री है थ्री डिग्री अब रिएक्शन में होगा क्या वो देखें आप ये वाला जो है ना सबसे पहले जाएगा एच एन ओ टू मतलब कौन सी रिएक्शन वही डाई टाइजेशन। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी एन टू प्लस सी एल माइनस में इसकी रिएक्शन किससे करवानी है बीटा नेपथोनोल से इसको बोलते हैं ये है बीटा नेपथोल इन दोनों के बीच में कौन सी बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी कौन सी कपलिंग और यह बनेगा ओ एच एन डबल बोन्ड एन यहां से और ये रिंग और ये रेड ऑरेंज डाई तो ये वाली भाई डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन होती है वो वन डिग्री एरोमेटिक एमिन की रिएक्शन है वन डिग्री एरोमेटिक एमिन को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वन डिग्री एरोमेटिक एमिन आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट ये देखो हमें इसमें कन्वर्ट करना है एनओ की जगह दो बी लगाने हैं और इसके लिए कौन सी सीक्वेंस सही रहेगी तो एनओ टू एस में NO2 और एस प्लस डालोगे ना तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप Br2 डाल रहे हो ना तो क्या हो जाता है इसका ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है मतलब तीनों जगह क्या जुड़ जाता है बी जुड़ जाता है तो हमें तो तीन बी तो चाहिए नहीं तो इसको तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा ना इसमें भी पहले एनएस फिर बी डाला है बी तो ये भी नहीं जाएगा NaNO2 एनओ टू में पहले डायजोनियम सोल्ट बन जाएगा फिर आगे रिएक्शन बंद हो जाएगी इसको चेक करते हैं क्या इससे होती है क्या तो इसको देखें तो इससे देखें पहले एनओ टू बी टू प्लस एफी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन कौन सा डायरेक्टिव मेटा डायरेक्टिव तो मेटा पे कौन जुड़ जाएगा बी आर जुड़ जाएगा एनसीआर टी का क्वेश्चन होगा एन एस टू में रिड्यूस हो जाएगा फिर प्लस एच सी एल तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर रिएक्शन करवाई सी यू बी आर और एच बी आर से रिएक्शन का नाम है सेंड मायर रिएक्शन और N2 की जगह क्या सप्लाई हो जाएगा एक बी आर ऑलरेडी चल रहा है फिर बी आर सप्लाई, सप्लाई हो जाएगा इसका मतलब आंसर कौन सा आने वाला है फोर्थ एनसीआरटी का क्वेश्चन है एनसीआरटी में एमिन वाले चैप्टर में पीछे कन्वर्जन दिए हुए हैं, वहां से ये क्वेश्चन आया है नेक्स्ट ये लो सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है यार इसमें तो नथिंग कुछ भी नहीं है कॉलम मैचिंग करना है एल को एसिड एलडीआईड को एल में कन्वर्ट करता है तो ये हो गया ना ये वाला रोजन मुंड रिडक्शन ठीक है यहां एल्फा पोजिशन पे हेलोजन सप्लाई हुआ है तो ये एचवी जेड रिएक्शन है हेलवेलार्ड जोलेंस की रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्फा कार्बन पे हेलोजन सप्लाई करता है एल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हेलोजन से, इसके लिए सीएल टू रेड और एच टू यह आएगा रिड्यूस किया है तो क्लिमेंसन रिडक्शन ये क्लिमेंसन रिडक्शन फिर यहां सीओ को गायब किया है एनएच टू से To, Hapman, BR2, तो हापमान ब्रोमेमाइड यहां आ जाएगा बी आर टू एन एच तो ए में आएगा सेकेंड बी में आएगा फोर्थ सी में आएगा थर्ड और डी में आएगा फर्स्ट फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ एमीन अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी सिंथेसाइज बाय गेब्रिल सिंथेसाइज तो देखो इधर वन डिग्री एलिफेटिक एमीन कैन भी सिंथेसाइज बाई गेब्रिल थेलेमाइड सिंथेसिस वन डिग्री एलिफेटिक एमीन ही उससे सिंथेसाइज हो सकती है तो इसको कर सकते हैं इसको कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं ना क्योंकि कौन सी है एरोमेटिक वन डिग्री एमिन अच्छा एक चीज को ध्यान रखना ये दिस इज आल्सो ये वाली भी नहीं सिंथेसाइज कर सकते इसको अलग से लिख रहा हूं ये ध्यान रखना ठीक है तो आंसर इसका आ जा जाएगा वो आ जाएगा जीरो थ्री नेक्स्ट

बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट ये लो यहां ये कौन सी रिएक्शन है डाई एजो डाइजेशन सेम कंसेप्ट की रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं एन टू प्लस सी एल माइनस के साथ रिएक्शन करवाई है साइनाइड अटैच हो जाएगा साइनाइड ये भी वही सेंडमाई रिएक्शन है फिर इसकी रिएक्शन करवाई एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल और एच टू से पता है कि इसका नाम क्या है रिडक्शन क्या नाम है स्टेफन रिडक्शन इसका नाम है स्टेफन रिडक्शन और स्टेफन रिडक्शन में क्या होता है साइनाइड जो है ना वो एसन सी एल टू प्लस एच सी एल में पहले तो कन्वर्ट होता है इमीन में, फिर इस पे H2O डाल देता ना, तो ये कन्वर्ट होता है LDHID में। तो पहले तो पहले तो आपसे पूछा एनियम ए तो सोल्ट ए में तो क्या लगा सी एन लग गया और फिर बी में क्या लग गया एल डी लग गया थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट ये लो ये इलेवंथ क्लास एनसीआर से क्वेश्चन आया हुआ है इलेवंथ क्लास की एनसीआर से क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एस्टीमेशन हम जहां करते हैं क्वालिटेटिव एस्टीमेशन लुकास टेस्ट एल्कोहल ठीक है कंसंट्रेट एच प्लस एन हाइड्रस जेड टू के लिए यूज में लेते हैं तो ये तो ये रहा ये जाएगा इसमें ड्यूमास एंड केजल केजल्स मेथड यह है क्वांटेटिव एस्टीमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का क्वांटिटिव एस्टीमेशन में हम यूज में लेते हैं ड्यूमास मेथड में ये लेते हैं सीयूओ और केजाल्स मेथड में लेते हैं कंसंट्रेट एस्टोसोपोर ये वाला हिंसबर्ग रिएजेंट हमने बात की है ये वाला रिएजेंट ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट तो ऑप्शन चेक कर लें कंसंट्रेट फर्स्ट में डी होना चाहिए तो फर्स्ट में डी इसमें नहीं है इसमें नहीं है बाकी है फिर सेकंड में आपके पास सी ची आना चाहिए सेकंड में सी यहां भी है और यहां भी है फिर थर्ड में एस टू एसो फोर होना चाहिए थर्ड में ई e उसमें है इसमें थर्ड में बी ये नहीं है तो आंसर जाएगा हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट द करेक्ट मेट्स बिटवीन आइटम स्टार्टिंग मेटेरियल एंड आइटम सेगेंड रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल डी हाइड बेंजेल डी हाइड का प्रिपरेशन करना है किसका बेंजिल का बेंजिन से बनाऊं एच तो सी ओ प्लस एच सी एल है क्या ये रहा एंड ए एल सी एल थ्री गाटरमान कोच रिएक्शन ठीक है यहां बनेगा एच सी ओ सीएल एल सी एल थ्री इस सीएल को हटा लेगा और ये इस पर अटेक कर जाएगा सी ओ एच पॉजिटिव तो इसका फर्स्ट का जो आएगा वो आर आएगा बेंजोनाइट्राइल बेंजो नाइट्राइल इसको बोलते हैं सी एन को ठीक है तो ये रहा स्टेपन रिडक्शन अभी पीछे बताया है स्टेपन रिडक्शन तो इसका पी आएगा बेंजोइल क्लोराइड ये वाला तो इस पे डाल दो एच टू पी डी बी फोर रोजन मुंड हो गया क्या तो इसमें रोजन मुंड ये रहा क्विनोलिन क्यों आंसर फर्स्ट का आर सेकंड का पी थर्ड का क्यों फर्स्ट का आर सेकंड का पी थर्ड का क्यों फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ओके क्लियर नेक्स्ट फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेर इन गोल्ड यील्ड बाई गेब्रिल तो अभी मैंने बोला था कि एलिफेटिक एमिन वन डिग्री एमिन हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं तो यह वन डिग्री है बट ये तो क्या है एरोमेटिक तो ना ये टू डिग्री ना ये क्या है एमाइड तो ये भी नहीं आएगा तो अपने पास ये है वन डिग्री एलिफेटिक एमिन एलिफेटिक एमिन का मतलब है एनएस टू ग्रुप जो है ना वो कार्बन ये कौन सा होना चाहिए एसपी थ्री होना चाहिए और ये कार्बन एसपी थ्री है आएगा इसका आंसर नेक्स्ट ए सोल्यूशन ऑफ फिनोल इन क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस एन गिव कंपाउंड पी एज ए मेजर प्रोडक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पी सिंपल क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की रिएक्शन लगाओ कि फिनोल है ठीक है आपको फिनोल दिया हुआ है जी देखें, फिनोल दिया हुआ है इसकी रिएक्शन क्लोरोल थ्री के ओ एच कौन सी रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन ऑर्थोपोषण तो पे क्या जुड़ जाता है सी OH जुड़ सकता है तो ये तो गिव्स कंपाउंड P तो ये कंपाउंड अपना P हो गया एज ए मेजर प्रोडक्ट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन P इसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है ठीक है तो यहां इसका फार्मूला क्या हुआ पहले फार्मूला निकाले पहले इसका फार्मूला कैलकुलेट करेंगे अपन छह कार्बन और ये C7 हाइड्रोजन देखो एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे चार और एक पांच ये और एक छह H6 ऑक्सीजन कितने हैं O2 तो टोटल मास ठीक है मास ऑफ कार्बन इंटू हंड्रेड परसेंटेज आ जाएगी तो टोटल मास तो कितना हो गया इसका दिया हुआ है आपको सेवन ट्वेल्व दिया हुआ है तो एटी फोर प्लस सिक्स इसका हो गया और सिक्सटीन इसका हो गया नहीं थर्टी टू तो यहां से 84 और 84 और ये हो गया 38 एट टू वन वन ट्वेंटी हो गया तो कार्बन का कितना है 84 फोर आउट ऑफ वन ट्वेंटी इसको सोल्व करोगे तो आपके पास सिक्स एट पॉइंट एट फाइव आंसर आएगा ये इसका आंसर है सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन ठीक है सी सेवन एच फोर्टीन ए है इसका कराया बी मिला और सी मिला बी क्या देता है आई टू येलो पीपीटी मतलब ये हेलोफोम टेस्ट है, हैलोफोम टेस्ट है इसका मतलब क्या है सी ओ सी एच थ्री स्क्लेटन इसका मतलब उसमें ये स्क्लेटन है फिर बोल रहा है सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब टोलेंस टेस्ट टोलेंस टेस्ट है और टोलेंस टेस्ट का मतलब है कि हे एल्डिहाइडी ग्रुप ये वाला ग्रुप है उसमें तो बी के बारे में तो यह बात हो गई फिर आई टू एन एच येलो पीपीटी नहीं देता है मतलब सीओ सी एच सी थ्री क्या है एबसेंट एल आई एल एच फोर से रिएक्शन करवाता हूं तो डी बनता है डी ये वाला है लुकास रिएजेंट और लुकास रिएजेंट से गिव वाइट टर्बिडिटी विद इन फाइव मिनट तो लुकास रिएजेंट के साथ फाइव मिनट में टर्बिडिटी कौन दे, दे देता है टू डिग्री एल्कोहल तो ये कौन सा है टू डिग्री एल्कोहल है अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए ठीक है तो ए को आइडेंटिफाई करूं इसका ओजोन एनालिसिस करवाऊंगा तो इधर क्या बनेगा ठीक है समझ में आ गई बात सारी चीजें क्लियर है अब देखो इधर इसका ओजोनोलाइसिस आगे वाला पेज ले लेते हैं यार इसका ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सी एच थ्री सी ओ एच और इधर बना ई टी सी ओ और ईटी अब ये वाला येलो पीपीटी देगा क्या बी इसको मान लो तो देगा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा तो ठीक है तो ये बी हो सकता है येलो पीपीटी नहीं देगा एल आई एल एच फोर के साथ रिएक्शन करवाता हूं रिडक्शन हो जाएगा सीओ एच और ये ईटी टू डिग्री है एनहाइड्रस ल्यूकास रिएजेंट लेता हूं तो etc hcl और ये et तो इसका मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया इसमें ये एल्डिहाइड बट यहां से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा इसमें एल्डिहाइड बट यहां से ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा इसमें ये एल्डिहाइड ही नहीं बना है इसमें एल्डिहाइड ही नहीं बना है तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट ये लो ये भी अच्छा क्वेश्चन है द मै द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन तो देखो एम ई एन टू इसका प्लस आर लगता है पहली एसाइलेशन होगा फर्स्ट एसाइलेशन होगा तो एसाइलेशन क्या होगा देखो इधर आपको दिया हुआ है एक तो दिया हुआ है एनएच टू और एक दिया हुआ है एम ई और इसकी रिएक्शन करवाइए एसी टू ओ से एसी टू ओ मतलब सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री रिएक्शन होगी एसाइलेशन और ये एच बाहर होगा और पहला कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा एन एच सी ओ सी एच थ्री और ये एम ई इसके बाद क्या रिएक्शन करवाइए बी आर टू एफ पी सी एल थ्री इसके बाद रिएक्शन करवाई है बी आर टू सी एल थ्री तो बी आर टू एफी सी एल थ्री एरोमेटिक इलेक्ट्रोपलिक सब्सटीट्यूशन यहां से कौन अटेक करेगा बी आर प्लस इसका क्या लग रहा है प्लस आर तो इसकी पेरा पोजिशन पे अटेक कर जाएगा तो ये बन जाएगा सी एच थ्री ये बी आर और ये एन एच सी ओ सी एस थ्री उसके बाद क्या दिया हुआ है ओ एच माइनस हीट तो यहां ओ एच माइनस हीट जो है ना वो वापस इसको तोड़ेगा और इधर ओ OH एच और इधर एच सप्लाई करेगा फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो एन एच टू बी आर और ये सी एच थ्री ये आंसर आएगा देखते हैं ऑप्शन

ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी का आगे का पार्ट लेके थैंक यू धन्यवाद